नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। फरीदाबाद के सेक्टर 59 में 4 वर्षीय मासूम की सीवर मैनहोल में गिरने से मौत, मां के साथ पैदल जा रहा था बच्चा। फिर सुलगाम मणिपुर, 400 दंगाइयों ने शस्त्रागार में की तोड़फोड़, सुरक्षा बलों पर फायरिंग। मणिपुर में नहीं सुधरे हालात तो तोड़ सकते हैं बीजेपी के साथ गठबंधन, एनपीपी ने दी चेतावनी। उत्तर प्रदेश के बलिया में भीषण गर्मी और लू का कहर, 72 घंटे में 54 लोगों की मौत, सिर्फ 15 जून को ही 23 की गई जान। बिहार के मुजफ्फरपुर में बहन की लव मैरिज से भड़के भाइयों ने लड़की के ससुर को मार दी गोली। जम्मू कश्मीर में समस्याएं, समाधान के लिए हो अनुच्छेद 370 पर चर्चा, कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा। 19 जून को उत्तराखंड के विकास पर होगी चर्चा, सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे शिरकत। महाराष्ट्र के यात्रियों से हेलीकॉप्टर बुकिंग के नाम पर 1,80,000 ठगे, टिकट देने से मुकरा आरोपी। नेपाल में फिर टूटा प्रकृति का कहर, भारी बारिश, भूस्खलन में 25 लापता एक की मौत। सहारनपुर में 2 भाइयों की मौत पर रो पड़ा पूरा गांव, यमुना में डूबने से गई जान, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।